पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्त नम ओ शांति 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 गीता ज्ञान यज्ञ में प्रातः काल दशम अध्याय में छब्बीसवा श्लोक तक हो गया है सर्व सर्ववृक्षाण यहाँ अर्जुन ने पहले प्रश्न किया किस रूप से हम सर्वत्र आपका चिंतन करें और सर्वत्र चिंतन करते हुए कैसे आपको कथम विद्यामअम पूरा आपका ऐश्वर्य आपका स्वरूप कैसे हम जाने तो भगवान ने उत्तमाधिकारी के लिए कहा आत्मा गुड़ा के सर्वभूताश स्थित हम संपूर्ण प्राणियों के हृदय गुफा में मैं आत्मा रूप से स्थित हूँ जो सबसे श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा रूप से मेरा चिंतन करे करते हैं ज्ञान के लिए यह स्वरूप कहा गया परमात्मा सबके आत्मा ही है एक ही आत्मा है उसके पश्चात मध्यमाधिकारी के लिए कहा जगत जन्मादि कारण में हूँ निर्विशेष ब्रह्म जगत का कारण नहीं है जगत मिथ्या है कारणत्व तो भी मिथ्या है माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है वही जगत का कारण है उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है इसी प्रकार चिंतन करे अहम आदिश्च मध्यम च भूताना मंत वच सारे जगत का कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का चिंतन करे ध्यान करे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है उसका चिंतन करने के लिए जो समर्थ नहीं होता है तो उसके लिए विभिन्न स्थान में सर्वत्र परमात्मा का चिंतन केस हो इसलिए प्रधान प्रधान ऐश्वर्य भगवान ने कहा जहाँ जहाँ मैं ध्येय मेरा ध्यान किया जा सकता है सर्वत्र श्रेष्ठ रूप से परमात्मा ही है वृक्ष में भी अश्वत्थ श्रेष्ठ है अर्थात अश्वत्थ में भी परमात्मा का ध्यान करें परमात्मा ही अश्वत्थ वृक्ष रूप से स्थित है देवर्षि में नारद है गंधर्व में चित्ररथ है सिद्ध में कपिल मुनि इसी प्रकार आगे भी कहते हैं किस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए अलग अलग स्थान अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से परमात्मा स्थित है अपने रुचि के अनुसार एकाग्रता के अनुसार जो जहाँ भी ध्यान कर सकता है ध्यान करे परमात्मा का ही ध्यान करे और ध्यान करते समय नाम जप करते समय विषय चिंतन छोड़ करके निरंतर ध्यान करना इसमें तात्पर्य है सामान्य सांसारिक फल की इच्छा नहीं रखे निष्काम होकर के कर ध्यान करे तो परमात्मा के ध्यान से परमात्मा की प्रसन्नता से परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान पूर्वक होती है उच्च्रवसम स्वाम विधिमा ममृतोद्भवरावत गजेन्द्राण नाण नाधिप अश्वाना अमृतोद्भव उच्च माम विद्धि गजेन्द्राणरावत मिद्धि माम विद्धि मैं सौ अश्वों में, में अमृतोद्भव उच्च स्रवस्म अमृत प्राप्ति के निमित्त समुद्र का मंथन हुआ मंथन हुआ अमृतोद्भवम उत्पत्ति के लिए जो मंथन हुआ था उससे जो अश्व निकला उच्च्रवा द्वितीयांत उच्च स्रवसम उच्च स्रवा अश्व नाम मैं हूँ उच्च रूप से मेरा ध्यान करे गजेन्द्राणाम ऐरावतम हस्ती स्वराणाम श्रेष्ठ बड़े बड़े हाथी में मुझे समझ जो ऐरावत इरावती माता का नाम है उसका अपत्य ओरावतम गजेंद्रानाम विद्धि ऐसे ही मेरे ध्यान करो न मध्य नराधिपम विद्धि मनुष्य में नराधिप है राजा मनुष्य में मैं राजा रूप से स्थित हूँ राजा के रूप से मेरा ही ध्यान करें इसलिए राजा का भी ध्यान करते हैं परमात्मा दृष्टिया सर्वी प्रकार परमात्मा दृष्टि से परमात्मा का ही ध्यान करें आयुधा वज्रम धेनूना कामधुक प्रजनश्चास् कंदर्प सर्पास्मे वा आयुधा वज्रम धेनू कामधुक अस्मी कंदर्प प्रजनचास्म कंदर्प रश्मि मे आयुधों में युद्ध करने के लिए आयुध आयुधशस्त्र में अस्त्रशस्त्र में नामक आयुध हूँ जो दधीचि के अस्थि से हुआ था वज्र में हूँ धेनु नाम मध्य जितने दुग्ध देने वाले जैसे प्रथम प्रसव करने वाले गो को धेनु कहते हैं तो जितने दुग्ध देने वाले गो उनमें से मैं काम दुख कामम दुग्धि काम दुख अपनी इच्छा से कामानम दुग्धरी सब कामना पूर्ण करने वाले काम दुख वशिष्ठ के काम देने वाले सब काम दुख अथवा सामान्यतः काम दुख यथेष्ट दुग्ध देने वाले काम कामधुख को मैं हूँ प्रजनश्चास में हूं। कंदर्प काम प्रजनयिता कंदर्प है काम का जनक कंदर्प में हूँ सर्पाणाम मध्य वासु की रश्मि सर्प में से मैं वासुकी नामक सर्प हूँ सर्प में से जिन श्रीधर स्वामी कहते जिनका विष है उनको सर्प कहते हैं और नाग आगे आएंगे निर्विष को नाग कहते हैं ऐसी व्याख्या श्रीधर स्वामी की है और कोई कहते एक सिर वाले हो तो सर्प नाग बहु सिर ऐसा भी कहते हैं नाग का के सिर वासु के और नाग में भेद है अनन्तश्चास्मिनागानां वरुणो यादसामहं, यादसामहं। पितृणामर्यमा मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् नागाना मध्ये अनत अस्मी यादस वरुण अहमस्म पितृण अर्यमा अस्म संयमता अहम यमूस्मी नागाना मध्ये अनंत <coughs> अनत शयन करते हैं भगवान विष्णु बहुशि नागा अनंत विशेष सर्प विशेष यादसामि जलचर है जल देवता है जल देवता में वरुण का देवता में राजा हूँ पितृ पितरों में अर्यम को पितृराज हूँ संयमताम अहम यमो अस्मि, संयम करने वाले में सब में श्रेष्ठ यम यम के सामने और कोई किसी का नहीं चलता है समय आने पर यम बिना पूर्व किसी को कुछ सतर्क करने की आवश्यकता नहीं समय जब आया यम का अधिकार है कोई रखेगा नहीं सब का समन्वय कर देते हैं यम यमराज भी है और नियमन करने के लिए यम है प्रल्हादशास्मिन दैत्यानाम काल कलयता महम च मृगेन्द्रोह वैनते य पक्षिण दैत्यामे प्रहलादस्मे कलेता अहम् कालोस्मे मृगा मध्ये मृगेंदमस्म वैन पक्षीण वैनेत अस्म दैत्य में, में प्रहलादों हूँ दीतेर अपत्या दैत्या के अपत्य ह दैत्य दिख्य दिव्यादीत्यपत्युतर पद ऐसे सूत्रशेण्य के दैत्य बनता है वंश में होने वाले मैं प्रहलाद भक्त है भगवान का कलयताम अहम काल कलन संख्या करने वाले गिनती करने वाले में काल है काल समय होने पर ठीक समय अपने कोई भूल जाए किस समय किंतु काल समय आने पर किसको छोड़ता नहीं मध्य मृगेंद्र हूँ मृग जितने हैं पशु अरण्य में रहने वाले उनमें मृगाणाम इंद्र मृगेंद्र सिंह को भी कहते मृगेंद्र व्याघ्र भी हैं वैनतेयस्य पक्षिनाम पक्षिनाम उड़ने वाले में वीनता का अपत्य वैनतेय गरुड़ है मैं हूँ पावना हा पावता मस्मी रामा शास्त्रब्रता महम् जसाना मकर चास्मी

पवित्र करने वाले में मैं पवन हूँ वायु चलने से पवित्र हो जाता है दुर्गंध चला जाता है सूख जाता है पवन भी पवित्र करने वाले इसलिए उसका नाम पवन पुण्य पवन है पवित्र करने वाले में श्रेष्ठ है पवन शस्त्र राम अश्मी शस्त्रधारी में दशरथ नंदन भगवान राम में हूँ झसाण मकर से झसे मछली है जलचर उनमें से मगर नामक में मगर एक विशेष जलचर है है्रोतासा जाह्हनवी अस्मी स्रोत बहने वाले नदियों में जाह्हनवी गंगा हूँ श्रेष्ठ सर्गामात मध्यं चैवाहमर्जुनम् अध्यात्मविद्याविद्यानाम् वादः प्रवदतामहम् सर्गाण आदि मध्यम अत अहम हे अर्जुन अध्यात्म विद्या अस्म प्रबदताम वादस्मी सर्गा सृष्ट में सृष्टियों की भी में हूँ सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय सारे प्रपंच की उत्पत्ति मेरे से मेरे में स्थिति और मेरे में लीन होते हैं इसे सृष्टि जितने बार जितने सृष्टि हुई है, होती है होगी सबके में उत्पत्ति मध्य स्थिति और प्रलय का हूँ, आदि अंत मध्य में हूँ विद्या नाम अध्यात्म विद्या विद्या तो बहुत है विभिन्न प्रकार विद्या है किंतु मैं अध्यात्म विद्या हूँ मोक्षार्थ होने से मोक्ष का साधन होने से मैं अध्यात्म विद्या हूँ जिसको परा विद्या कहते हैं वाद प्रबदताम अहम प्रबदत्ता विवाद प्रवाद वाद कथा करने वाले में वाद हूँ शास्त्र निर्णय करने के लिए विद्वान में इसे विचार होता है कथा कहते कथा होती है तीन प्रकार कथा होती है वाद जल्प वितंडा वाद कथा होती है तत्व निर्णय के लिए तत्व जिज्ञासुओं की कथा वाद कथा वाद शब्द का तो झगड़ा नहीं विवाद नहीं वदन वाद कथा है तत्व निर्णय करने के लिए विचार किया जाता है शास्त्र का जो विचार होता है गुरु शिष्यों का संवाद शिष्यों का परस्पर को कहते वाद कथा वहाँ उद्देश्य नहीं रहता है किसको अधिक आता है किसको कम आता है किसको हराना कोई जीत जाना ये अभिप्राय नहीं रहता है शिष्य जिज्ञासा के कारण प्रश्न करता है गुरु उत्तर देते हैं गुरु कभी शिष्य की बुद्धि होने के लिए बुद्धि में विषय आरूढ़ होने के लिए प्रश्न करते हैं वो अभिप्राय नहीं रहता है प्रश्न पूछ करके कि किसको हरा देना दबा देना ये नहीं रहता है कोई कोई पढ़ते समय सोचते हैं जैसे प्रश्न पूछेंगे नहीं बता पाएंगे तो उनको हम हरा देते हैं कहीं जाकर कहीं उनसे आज पूछा वो नहीं बता पाए ये, ये बाद कथा हमेशा नहीं होता है वो तत्व निर्णय करने के लिए जानने के लिए प्रश्न करने का अधिकार शिष्य का है आपस में विचार करते हैं किस प्रकार तत्व निश्चय हो शास्त्र के अर्थों को निश्चय करने के लिए प्रमाण को लेना पड़ता है तर्क को लेना पड़ता है एक एक के को लेकर के सिद्धांत का विरुद्ध उसमें पक्ष प्रतिपक्ष लेकर के कथा करते हैं वाद आपस में विचार करते हैं शब्द नित्य है अथवा अनित्य है इसके ऊपर विचार करते हैं द्वैत अद्वैत में क्या वास्तव है क्या अवास्तव है तो जिज्ञासु में से विचार होता हो वाद कथा ये वाद कथा के लिए सब अधिकार जो मुमुक्ष है वाद कथा को छोड़कर के अन्य दो कथा नहीं करते हैं एक कथा है छल कथा शास्त्रार्थ करके कौन बड़ा विद्वान है दूसरे को हराएगा मैं जीत लूँगा इस अभिप्राय से कथा होती ये छल कथा जल्प कथा वाद जल्प जल्प है ऐसे वे लोगों में परस्पर शास्त्रार्थ हो श्रोताओं को शास्त्र के अर्थ निर्णय होगा थोड़े ज्ञान बढ़े इसलिए पहले राजा लोग भी बड़े बड़े विद्वानों में आपस में जल तर्क शास्त्रार्थ कराते थे परस्पर शास्त्रार्थ प्रश्न उत्तर कर सुनते थे वहाँ उद्देश्य रहता है दूसरे को किस प्रकार हरा दे हम जीत ले ये होता है जल्पकथा जिज्ञास मुख्य हुई कथा नहीं करते दूसरे को हरा करके अपनी जीत करके कुछ प्राप्त करना नहीं है दूसरे को हराना अपनी जीत लेना यही अपना लक्ष्य नहीं है शास्त्र विद्या विद्या का फल नहीं विद्या विवाद के लिए नहीं ज्ञान के लिए है और एक वितंडा कथा है वितंडा कथा में अपना पक्ष कुछ नहीं रहता है दूसरे कुछ कहता है उसको खंडन करना है कुछ वो कहो उसका दोष दे करके खंडन करना तुम कहो अपना मत क्या है अपना कुछ नहीं है कुछ लोग ऐसा रहता है उनको अच्छा लगता है कोई कुछ कहता है तो उसको खंडन करना है अपना सिद्धांत तो कुछ है, नहीं जानते हैं किंतु तो खंडन करने की प्रक्रिया थोड़ी सुन लेते हैं सुन करके कंठस्थ करके बोलते इसमें क्या प्रमाण है किसने देखा है बस कोई कहेगा ईश्वर इसमें क्या प्रमाण है कहेंगे शास्त्र प्रमाण है शास्त्र क्यों प्रमाण मानेंगे शास्त्र क्यों प्रमाण होगा उसको क्या? ये वेद ये वेद है कैसे निश्चय होगा जिसको तुम वेद कहते हो वेद करके किस क्या कैसा निश्चय होगा जो प्रश्न करो उस उसमें कैसे निश्चय हो क्या निश्चय होगा इसी प्रकार तो फिर क्या मानना चाहिए तुम किसको मानते हो और उनके पास उत्तर नहीं है शास्त्र को नहीं प्रमाण मानेंगे वेद को प्रमाण नहीं मानेंगे तो किसको प्रमाण मानेंगे क्या मिथ्याार्थ प्रकाश को प्रमाण मानेंगे ऐसे कुछ लोग <laughs> तो, तो हमारे मिथ्यार्थ प्रकाश उसको प्रमाण मानो इसको क्यों प्रमाण मानेंगे तो मिथ्या कहो सत्य कहो कुछ कहो जब भी वेद को प्रमाण नहीं मानेंगे तुम्हारे पुस्तकों को क्यों प्रमाण मानेंगे तो हमारे वाक्य को प्रमाण मानो तुम्हारे वाक्य को क्यों प्रमाण मानेंगे तो इसी प्रकार वो स्वयं खंडित तो हो जाते हैं कुछ करते हैं कभी कभी ऐसे वितंडा कथा करने वाले को भी हराने के लिए उनके साथ बड़े बड़े विद्वान भी वितंडा कथा करते हैं अपने मत कुछ नहीं करके तुम कहते तुम जो कहते हो वेदांत मत का खंडन करने के लिए कुछ लोग जब प्रारंभ करते हैं कुछ कहने के लिए वेदांत में उद्भट विद्वान थे श्रीहर्ष मिश्र वो कह उन्होंने इसे खंडन खंड खाद्य ग्रंथ रचना की उन्होंने तो कहते तुम जो कहते तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार तुम्हारी गलती है तुम जो कहते हो हमारे सिद्धांत छोड़ो तुम अपने सिद्धांत के अनुसार प्रतिपादन नहीं कर पाओगे वस्तु प्रत्यक्ष दिखता है घट घट वास्तव है तो कहते घट दिखता है या घट में वास्तविकता तुमको दिखती है घट दिखता है या घट में सत्य तो दिखता है घट दिखता हम मानते हैं किंतु सत्य कैसे मानेंगे सत्य तुम किम पहले बताओ सत्य क्या है फिर कहेंगे झूठ ये यथार्थ है यथार्थ किसको कहेंगे विचार करते करते अंत में फिर कहना पड़ेगा जो तीनों काल में जिसका बाध नहीं हो जिसको आप देख रहे हैं सामने पर्वत देख रहे हैं आगे कभी उसका बाध नहीं होगा ये कैसे आप निश्चय करेंगे हम राज्य में सर्प देखने पर भी लगता है ये सत्य है सत्य समझ करके लोग बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी भाग जाते हैं बड़े तार्किक भी भाग जाएगा सर्प समझ करके तो क्या वो सत्य है रज्जु में सर्प अब बहुत दिन के बाद अच्छा यदि बाद नहीं हुआ तुम कहीं रज्जु में सर्प देकर चले गए फिर आपस नहीं आए बस में जाकर गाड़ी में बैठ कर देखे रहे सर्प सर्प सोच कर चले गए आगे बाद तुमको नहीं हुआ तो ये सर्प सत्य होगा जो जिसका तीनों बाद नहीं भविष्य तो में बाध हुआ ही नहीं अन्य लोगों के रज्जु हो आपने रज्जु में सर्प देखा चले गए फिर आकर देखा ही नहीं आपके लिए रज्जु में जो सर्प देखा था उस सर्प का बाद नहीं हुआ तो आपके लिए आप सत्य मानते हो क्या तो वास्तव सत्य है इस प्रकार विचार करने पर आप सिद्ध नहीं कर सकते सत्य।, तो सत्य किसको कहते हैं ऐसे प्रकार कुछ बहुत कहते हैं गंधवत्तम पृथ्वी लक्षणम गंध जिसमें उसको पृथ्वी कहेंगे श्रीहर्ष कहते क्या एक गंध जिसमें रहेगा उसको पृथ्वी कहेंगे या सब गंधव रहना चाहिए क्या कहेंगे एक गंध हो तो पृथ्वी कहेंगे और सब गंध जिसमें पृथ्वी कहेंगे इसमें सब गंध है जितने गंध इसमें जो गंध हो वो गंध यहाँ है नहीं एक गंध इसी गंध वाले को पृथ्वी कहेंगे तो इसको पृथ्वी नहीं कहेंगे मिट्टी लेंगे पृथ्वी नहीं होगा पृथ्वी कहा था मिट्टी ये सारा बड़ा नहीं एक गंध एक पुष्प में जो गंध है वो गंध सब सर्वत्र है क्या यदि सर्वगंधवत्तुम पृथ्वी लक्षण करेंगे कहीं लक्षण नहीं जाएगा सब गंध में है नहीं है? तो पृथ्वी का लक्षण लक्षण सिद्ध नहीं होगा इसी प्रकार बहुत कहते हैं कहते तुम मानते हो सब मिथ्या है मिथ्या तो कार्य कैसे बनेगा मिथ्या बनने से कभी भोजन पचन पकाना होता है तो सबको मिथ्या कहते वेदांति मिथ्या से कैसे जग कार्य कारण भाव बनेगा का कारण होता है ये पूछते हैं क्या तुम किसको मानने को कारण कौन होता है जो सत है वास्तव है वही कारण होगा तो पूछते हैं दंड कारण होता है घट बनाने के लिए तो कहते सत्ता विशिष्ट दंड घट का कारण होगा या सत्ता रहित दंड घट का कारण होगा क्या बोलेंगे सत्ता विशिष्ट दण्ड घटका कारण या सत्ता रहित दण्ड घटका कारण सत्ता विशिष्ट दण्ड घटका कारण ठिक है ये य दण्ड ये सत्ता विशिष्ट है जिसमें सत्ता है इसको सत sat कहेंगे सत्ता विशिष्ट दण्ड घटका कारण है सत्ता विशिष्ट दण्ड के ऊपर सत्ता है क्या सत्ता विशिष्ट दण्ड में सत्ता रहेगी तो, तो सत्ता के ऊपर सत्ता रहेगी सत्ता एक ही मानते हैं सत्ता विशिष्ट दंड के ऊपर सत्ता है जिसमें सत्ता नहीं उसको तुम सत कहोगे असत कहोगे असत कहोगे सत्ता विशिष्ट दंड सत हुआ या असत हुआ असत हो गया सत्ता विशिष्ट दंड का कारण है तो असत कारण हो गया क्योंकि सत्ता विशिष्ट दंड में सत्ता नहीं है सत्ता मानेंगे तो सत्ता के ऊपर सत्ता माननी पड़ेगी सत्ता एक ही है तो सत्ता विशिष्ट दंड ऊपर स्वयं रहेगी सत्ता नहीं तो सत्ता विशिष्ट दंड में सत्ता है नहीं जिसमें सत्ता नहीं उसको कहोगे तो असत कारण हुआ यदि कहेंगे के के नहीं केवल दंड कारण सत्ता रही तो दंड कारण सत्ता जी चली गई तो ये सत हुआ तो असत हो गया तो सत्ता विशिष्ट दंड को कारण माने तो असत कारण हुआ सत्ता रहित दंड को कारण मैंने तो असत दंड कारण हो गया तो असत्य कारण नहीं होगा चुप कर देते हैं जितने तर्क करने वाले उत्तर नहीं दे पाएंगे तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार तुम जो को तो गलत कह दो ऐसे करके वितंडा कथा कहते हैं खंडन खंड खाधे में सबका खंडन करके कहते कुछ लक्षण किसी का भी लक्षण तुम नहीं कर सकते हो किसी के लिए प्रमाण नहीं दे सकते हो तो। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि किसी वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते हो बस सब का खंडन कर दो एक चिद रूपज रोह जाएगा यही ब्रह्म है हमारा ये ये मत है तो वेदांत अद्वितीय मत सिद्ध करने के लिए वितंडा भी कहते हैं तो वाद जल्प वितंडा तीन प्रकार कथा है वितंडा कथा जल्प कथा मुमुक्षु नहीं करते हैं खंडन खंड खाद्य में इसे देखते हैं समझते हैं जो लोग तर्क करके खंडन करना चाहते हैं उनको चुप करने के लिए थोड़ा अस्त्र उसमें है खंड 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 खादे थोड़ा यदि पढ़ ले तो कोई बहुत उल्टी सीधी बोलने वाले हो उसको चुप करने का सामर्थ्य आ जाता है उसको पूछेंगे तो चुप हो जाएगा बोल नहीं पाएगा उल्टी सीधी बोलता है तो फिर उत्तर नहीं दे सकता है तो कुछ कुछ कभी कभी जरूरत पड़ता है लोग ऐसी जानबूझ करके बहुत परेशानी करते हैं तो परेशानी करते तो थो थोड़ा उनको इसी प्रकार कुछ थोड़ा कह दे तो फिर बोल नहीं सकते हैं कोई कहीं जाते समय महात्मा को लेकर के कहीं जा रहे थे चतुर्मास करने के लिए एक ही व्यक्ति आकर के उल बहुत बोला चाहते क्या आप लोग चाहते क्यों साधु बनते चाहते क्यों क्या चाहते क्या चाहते क्यों साधु बन ऐसे जो बहुत बोला बहुत परेशानी हो तो मैं फिर बोला आप क्या चाहते पहले बताऊँ <laughs> <laughs> ना ये लोग क्या चाहते हैं तो या पहले आप क्या चाहते बताओ इनसे क्या आपको लेना है ये क्यों साधु बने नहीं बने उससे आपको करना है क्या आप क्या चाहते हो तो फिर ऐसे कुछ प्रश्न होने के बाद फिर अपना कुछ है ही नहीं वो तो प्रश्न करा तो बोले खाली ऐसे करने के लिए वो करने के लिए क्यों दो निंदा करने के लिए तो उसे आपको क्या मिल गया बोलो क्या चाहते हो निंदा करना चाहते हो तो निंदा करो इनको क्यों परेशानी कर दो तो? बैठी कर बोलते रहो कोई कुछ नहीं कहेंगे आप बोलो जितने बोलना चाहिए बोलो आपको हम छोड़ देते जो कुछ बोलना चाहिए बोलते जाओ कोई कुछ नहीं कहेगा चुप हो गया बाद में प्रणाम करके गया सबको विवाद <laughs> <laughs> करने वाले प्रबोधता वाद वाद कथा श्रेष्ठ है ये जिज्ञासु तत्व जिज्ञासु को वाद कथा करनी चाहिए परस्पर उत्तर शंका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए अक्षरा नामकारोंम्मी अच्छा नाम द्वंद्व सामासीिक अहमे वाच्यः कालो। अहमे वाच्यः कालो। धाताहम विश्वतो मुखः। धाताहम विश्वतो मुखः। अक्षराणाम् अहम् अकारोस्मि। अहमेव अक्षय काल अहम धाता विश्व मुखा अक्षराम अकारोस्में अकार भी सर्वाक् श्रुति कहती सारे वाणी अकार अकार अकारमूल के शुरू होता है सौरवर्ण स्वरवर्ण के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है सारे वाणी अकार से है अकार श्रेष्ठ मे हूँ सामिक्वंद्व समास अलग अलग प्रकार है समासों का जितने समूह है अव्यभाव समास है तत्पुरुष समास है बहुबरी समास है, है एक द्वंद्व समास है बहुबरी समास करेंगे तो समास में जो पद दोनों रहते हैं दोनों पदार्थ से अतिरिक्त तृतीय प्रधान हो जाता है पीतांबर पीतम अंबरम यश्य पीतांबर विष्णु हो गए विष्णु पीत है या विष्णु अंबर है वो स्वयं पीत नहीं अंबर नहीं वो विष्णु हो गए प्रधान पीत भी प्रधान नहीं अंबर भी प्रधान नहीं लंबो उदर गणेश लंबम उदरम यश्य गणेश उदर नहीं गणेश लंबा भी नहीं लंबा और उधर दोनों शब्दार्थ से भिन्न गणेश प्रधान हो गए इसी प्रकार दृष्ट सागर है दृष्ट सागर ये न जिसने समुद्र देखा है वो समुद्र है क्या व्यक्ति हो गया चित्रगु चित्रा गाव यश्य सचित्र गु जिसके पास चित्तरा गो उसको कहेंगे चित्रगु अर्थात तो यहाँ बहुवी समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान होता है राजपुरुषम आनय किसको लाएंगे राजा को राज पुरुष राजा के पुरुष को प्रधान कौन राजा या पुरुष यहाँ पुरुष प्रधान हो गया राजा तो बड़ा है किंतु राज पुरुषम आने कहें तो लाते पुरुष को लाते हैं। उत्तर पदार्थ पुरुष अर्थ प्रधान हुआ राजा अर्थ गौण हो गया अव्यभाव समाज से पूर्व पदार्थ प्रधान होता है उत्तर गौण हो जाता है उपकृष्णम कृष्ण से समीपम उपकृष्णम उपशब्द का तो समीप अर्थ प्रधान होता है कृष्ण प्रधान नहीं कृष्ण के समीप राजा के समीप समीप प्रधान हुआ किन्तु एक द्वंद्व समास है जो उभय पदार्थ प्रधान है रामस् लक्षण से राम लक्ष्मण राम लक्ष्मणाभ्याम नम किसको नमस्कार है दोनों को राम लक्षण आगक्षत दोनों आ रहे हैं दोनों पदार्थ प्रधान होने से द्वंद्व समास प्रधान है किसको छोड़ना ही किसको गौण नहीं करना दोनों प्रधान है तो द्वंद्व समास में भी परमात्मा का ध्यान करें परमात्मा सर्वत्र सर्वदा है इसी प्रकार सर्वत्र श्रेष्ठ रूप से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए अहमेव अक्षय काल जो अक्षिण क्षीण क्षय नहीं होता है काल प्रसिद्ध है अथा परमेश्वर काल का भी काल है अक्षय काल में हूँ धाता हम कर्म कर्मफल के धाता विधान करने वाला सारे और सब जगत के कर्मफल को देने वाले धान करने वाले मैं हूँ मृत्यु सर्वरश्चा मुद्द्यता कीर्तिश्रीर्वाच नारीण स्मृति धृतिः क्षमा मृत्यु सर्वरस्ृत्युअम उद्धवश्च्यता भविष्यता उद्धव श्री ही, वाक्ष स्मृति मेधा धृति क्षमा नारीण ये नारियों में ये कीर्ति पहले मृत्यु सर्वर मृत्यु दो प्रकार है धन संपत्ति को ले लेता है कभी प्राण को ले लेता है ये सर्वहर कहते हैं मैं ही हूँ परमात्मा उस रूप से स्थित है अथवा सब का प्रलय जब हो जाता है ईश्वर रहते सब को हरण कर लेते सब का मरण हो जाता है परमात्मा रहते तो मैं सर्वहर मृत्यु रूप हूँ उद्भवश भविष्यताम भविष्यताम भावी भविष्यत में जिनका कल्याण होने वाले है आगे उत्कर्ष को प्राप्त करने वाले है उनमें में उद्भव मतलब उत्कर्ष उत्कर्ष है आगे कुछ कल्याण प्राप्ति का हेतु मैं ही हूँ मैं ही हेतु हूँ आगे भविष्य में कल्याण प्राप्त होगा किसको मैं ही उसका हेतु हूँ कीर्ति ही लक्ष्मी वाक स्मृति मेधा धारण शक्ति धृति धैर्य क्षमा ये सब उत्तम है स्त्री में मैं ही हूँ धर्म की पत्नी है आदि गुण अभिमाननी देवता है इनमें श्रेष्ठ ये यही मैं हूँ जो धर्म की पत्नी श्रेष्ठ है उत्तम जिनके संबंध से लोग अपने के कृतार्थ मानता है यहाँ कृतार्थ मानते हैं केवल पुरुष नहीं सामान्य हो जन लोक कार्थ सामान्य जो मानते हैं पुरुष हो स्त्री हो कीर्ति हो लक्ष्मी हो वाक हो स्मृति हो मेधा हो इनसे अपने के कृतार्थ मानते मैं ही हूँ परमात्मा कीर्ति लक्ष्मी वाक स्मृति सब कुछ परमात्मा ही बृहत् साम तथा श्याम नाम गायत्री छंदम मांसा मार्गशीर्षो ऋतूना कुसुमा कर सामना बृहत श्याम छंद गायत्री अहमस्गशी सोहम, ऋतूनाम कुसुमाकर अहम अस्मी वेद में एक हजार शाखा है उनमें मंत्र अलग अलग प्रकार है साम के नाम सब अलग अलग है तो बृहत साम में हूँ प्रधान हूँ छंदों में गायत्री आदि छंद विशिष्ट ऋचा में गायत्रीचा में हूँ श्रेष्ठ महासा मध्य मार्गशीर्ष मार्गशीर्षमा मास अग्रहण करते से हैं वर्ष आरंभ मार्गशीर्षे कोई मानते हैं श्रेष्ठ है पूजा, लक्ष्मी पूजा भी मार्गशीर्ष में करते हैं श्रेष्ठ में हूँ ऋतूना मध्ये कुसुमाकर वसम हे कुसुम पुष्प का आकर ऋतु में पुष्प बहुत होते हैं ऋतु में श्रेष्ठ है भगवान वसंत ऋतु रूप से स्थित है उनका ही ध्यान परमात्मा का ध्यान कर इस रूप से द्यूतम छलयताेजस्वीना जमी व्यवसायस्मी सत्व सत्तवतामहम छलताम अहम द्यूतम अस्मी अस्मि तेजो अस् व्यवसायस्म सत्वताम अहम अस्मि छल करने वाले में मैं द्यूत हूँ अक्षय अक्ष पासा द्यूत अक्षती अक्षय द्यूत जिससे महाभारत का प्रारंभ हुआ था छल कपट करने वाले क्रीड़ा में हूँ तेजस्वी में मैं तेज रूप हूँ तेजस्वी का तेज ही मुख्य है और जयोस्मी में जय रूप हूँ जय करने वाले जितने उनमें जय रूप से, सत्त से परमात्मा ही है और व्यवसाय निश्चय है जो निश्चय करने वाले हैं उनमें भगवान व्यवसाय रूप से है असत्वताम सत्वम सत्वगुण जितने सात्विक पुरुष है अंतगुण उसमें रूप से परमात्मा ही है अर्थात सत्वगुण का भी परमात्मा रूप से ध्यान करें निश्चय ही परमात्मा है निश्चय करने वाले में परमात्मा निश्चय रूप से स्थित है जितने वाले में जय रूप से परमात्मा स्थित है तेजस में तेज रूप से है छल करने वाले में द्युत रूप है इस प्रकार परमात्मा का ध्यान सर्वणनाम वासुदेवस्मी पांडवाना धनंजय धनंजयः मुनीनाप्यह व्यास कवीनाशना कवि वृष्णनाम अहम वासुदेवस्म पांडवानाहम धनंजय अस् मुनीनाहम व्यासोस्मी कविना अहम उषणा कवि अस्मी वंश में होने वाले में वासुदेव स्वयं में हूँ तुम्हारे बंधु में और पांडवा न मध्य धनजय तुम ही अर्जुन में श्रेष्ठ हूँ पांडव में धनंजय रूप से मैं ही हूँ मुनिना मध्य व्यास रूप से मैं हूँ मनन करने वाले सर्वपदार्थों को जानने वाले में व्यास रूप से परमात्मा कवि नाम उशना कवि दर्शन में उषना कवि शुक्राचार्य उशन शब्द है उशना प्रथमातवचन उशना कवि दंडोदमयता दंडो नीतिरश्मी जिगीषाता चैवास्मी चैब्बास्ुहिया

दमयताम दमन करने वाले दंड में हूँ दंड से दमन होता है दमन जब करते दंड से दमन होगा इंद्रिय का दमन करना है तो इंद्रियों को दंड देना पड़ेगा जिस इंद्रिय में चांचल्य है उसको दंड देना है तो उसको निष्क्रिय रखना जो विषय सेवन करने की इच्छा है उस विषय को नहीं जाने देना दंड से उसका दमन होगा विशेष सेवन करने से इंद्रिय का दमन नहीं होगा इंद्र को दमन करना है तो इंद्र को दंड देना दंड देने से दमन होता है दम ये दंड रूप है दंड ही सबसे अधिक दमन करने वाला है जिज्ञताम जे तुम इच्छताम जो जिन जितना चाहते अन्य को जीत लेना चाहते नीति में हूँ नीति से ही जीतने थे। नीति रूप से परमात्मा ही है कुछ नियम है उस नियम के आधार पर जीतते हैं वो नीति परमात्म हे गुह्या मध्य मौनम जितने गुह्य गोपनीय है उन्हें सब में मौन मौन रूप से परमात्मा हे अहम् अहम अस्मि। ज्ञान में ज्ञान रूप से तिथ परमात्मा यभूता बीजें तदहर्जुन

यत माया बिना भूत चराचर सिया तस्ति सर्वभूता यीज सारे भूत का जो बीज कारण है वो मैं ही हूँ सब का कारण मैं हूँ सब जितने ब्रह्मांड में सारे भूत का कारण मैं हूँ और आगे अलग अलग कितने कहेंगे एक संक्षेप से कह देते हैं मुझे समझने के लिए ये समझ लो तद न तदस्ति बिना यद यत मया, मया यत, यत मया बिना सियात नास्ति भूत चराचरम सारे भूत जितने हैं चर अचर हो चरे जंगम अचरे स्थावर स्थिर रहने वाले वृक्ष पर्वत स्थिर रहने वाले चर है पशु पक्षी आदि है चरा चर जितने हैं उनमें से मया बिना यथ सन्स्ती कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं जो मेरे बिना हो माया बिना यथ मेरे बिना ऐसे कोई पदार्थ हो चर हो अचर हो भूत ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है परमात्मा के बिना परमात्मा को छोड़ करके परमात्मा सदरूप है सत से भिन्न वस्तु क्या होगा असत तो हो जाएगा जितने वस्तु है परमात्मा का यदि त्याग हो जाए परमात्मा आत्मा है आत्मा है स्वरूप आत्मा स्वरूप सदरूप का यदि त्याग हो जाए वो वस्तु निरात्मक निस्वरूप स्वरूप नहीं रहा तो तुच्छ हो गया सस विषाण बंध्यापुत्र के जैसे सारा ब्रह्मांड में जहाँ भी कोई भी पदार्थ है एक भी कोई भी पदार्थ छोटा भी नहीं है जो मेरे बिना रह जाए जितने घाटा मिट्टी से बनेंगे इनमें से कितने घाटा मिट्टी नष्ट हो जाने पर रह जाएंगे तंतु से बनाया पट कपड़ा बहुत बनाया तंतु नष्ट होने पर कितने पट बच जाएंगे तंतु है तो पट है तंतु के बिना कोई पट नहीं रह सकता है बीज कारण है परमात्मा सद्रूप है कोई भी पदार्थ चरा चरा में नहीं जो सत परमात्मा से अलग कर दे कोई बच जाएगा पदार्थ कोई भी पदार्थ नहीं है सब सदात्मक है सद्रूप है सब सत से बिना हो जाए तो असत तो हो जाएगा असत तो होकर दिखता है तो उसको मिथ्या कहेंगे कोई भी पदार्थ नहीं जो मेरे बिना रह सके मेरे भिन्न मेरे भिन्न कुछ भी नहीं है न भूतम चराचरम यत मया बिना स्यात जो मेरे बिना कोई रह जाए ऐसे कोई भी पदार्थ नहीं है सब मेरे स्वरूप मददात्मकम सद्रुप सब ये सत्य भिन्न कुछ भी नहीं है इससे हो गया परमात्मा की विभूति तो परमात्मा का ध्यान कहाँ करना है जहाँ भी करो परमात्मा सर्वत्र है। कोई पदार्थ बताओ जो परमात्मा से भिन्न हो वासुदेव सर्वम परमात्मा से भिन्न कुछ भी पदार्थ नहीं तो जहाँ पहले तो कोई रूप से ध्यान करते हैं चिंतन करते हैं मन को यदि स्वयं नहीं कर पाते मन भागता है वहाँ परमात्मा की वाणी स्मरण करे भगवान कहते वासुदेव सर्वम मेरे बिना कुछ भी नहीं है सदरूप ही है भ्रांति के कारण नाम रूप दिखता है वो सदरूप ब्रह्म का दर्शन करे मन जहाँ जाता है मन को समझाए तुम जहाँ जाते हो वो भी सदरूप ब्रह्म ही है मिथ्या नाम रूप के पीछे क्यों भागता है सदरूप ब्रह्म का चिंतन करो वहाँ भी परमात्मा का दर्शन करे सदरूप है सर्वत्र सर्वदा सदरूप से परमात्मा स्थित है कोई भी पदार्थ नहीं सत से बिना रह जाए सत से भिन्नता असत हो जाएगा आत्मा से भिन्न अनात्मा हो जाएगा तुच्छ हो जाएगा स्वरूप नहीं रहेगा तो कुछ पदार्थ तुच्छ हो जाएगा विभूति नाम पर सतोदेश प्रोक्त विभूतिर्विस्तरो मैं हे पर मम दिव्याना विभूतीना अंत नास्ती ऐस भी, तो विभूते विस्तर मया उद्देश्यतः प्रोक्त मेरी जो विभूति ऐश्वर्य है दिव्य है विस्तार अलौकिक है अलौकिक जो मेरे विभूति विस्तार है उनका अंत नहीं है पहले भी कहा था कह नहीं सकते है अशेषत वक्त न शक्य थे नहीं कहा जा सकता है अनंत विस्तार है जो मैंने कहा विभूत विस्तरो मया प्रोक्त विभूति का जो विस्तार मैंने कहा जो कुछ कहा है ऐसा तो उद्देश्यतः एक देश से थोड़ा थोड़ा बता दिया पूरा तो कोई नहीं कह सकता है अंत ही नहीं है ये कुछ संक्षेप से एक देश एक अंश बता दिया और जब जानना चाहते हो समझ लो सर्वत्र मैं हूँ सब मैं ही हूँ और मेरे ध्यान करने के लिए पूरा सर्वत्र नहीं होता है तो भी जहाँ कुछ श्रेष्ठ उत्कर्ष है वहाँ ध्यान करो मेरा यद्य विभूतिमत श्रीमद्दूर्जित में बवा

जितने पदार्थ लोक में आप देखते हो विभूति मत, विभूति ऐश्वर्य वाले आएसर युक्त विस्तार युक्त पदार्थ जो देखते हो सत्वम कोई भी पदार्थ जैसे में कुछ ऐश्वर्य है उत्कर्ष है जो पदार्थ आप जहाँ भी देखो श्रीमद् ऊर्जितमेव श्रीमद् श्री है लक्ष्मी लक्ष्मी से युक्त लक्ष्मी वाले पदार्थ हो और ऊर्जितम ऊर्जा तेज उत्साह, युक्त वस्तु जो श्रेष्ठ वस्तु उत्कर्ष वाले वस्तु जहाँ लक्ष्मी उत्कर्ष कुछ भी उत्कर्ष देखते हो उसको समझे मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ मेरे ही स्वरूप से सब कुछ है जहाँ जहाँ कुछ भी थोड़ा सा आधिक्य देखते हो राजा हो आचार्य हो श्रेष्ठ हो किसमें का उत्कर्ष दिखता है सर्वत्र जहाँ उत्कर्ष दिखता है परमात्मा के अंश से उत्पन्न हुआ ये समझो इसलिए जहाँ किसी प्रकार उत्कर्ष है ये परमात्मा के अंश से हुआ परमात्मा रूप है वहाँ परमात्मा का ध्यान करे असूया देश निंदा नहीं करके श्रेष्ठ उत्कर्ष है उत्कर्ष में परमात्मा बुद्धि करके परमात्मा का चिंतन करे केवल मूर्ति केवल मंदिर में नहीं सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करें मंदिर में भी है मंदिर मूर्ति में भी है सर्वत्र है सर्वत्र है का अर्थ मूर्ति में नहीं ये बात नहीं मूर्ति में भी है बाहर भी है अंदर भी है सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करे जब तक सर्वत्र परमात्मा बुद्धि नहीं होती तब तक इस प्रकार अलग अलग स्थान में उत्कर्ष को दे करके जैसा भगवान ने कहा उत्कृष्ट रूप का ध्यान करे परमात्मा रूप से

अथवा एतेन बहुना ज्ञातेन किम तव सैत हे अर्जुन अहम इदम कृत्न जगत एकांशन विष्टभ्य स्थित ये जो मैं कहता हूँ अभी विभूति विस्तार जितने कहने पर भी और बच जाएगा जितने भी कहेंगे पूरा नहीं होगा और बच जाएगा ये आकाश कितने बड़ा है कभी विचार क्या है ऊपर यदि चलेंगे बड़े बड़े आजकल जान रॉकेट निकाले बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बहुत कुछ आगे जाते हैं बहुत कुछ जानते हैं एक दिशा में यदि बहुत चलेंगे कितने करोड़ों साल जाने पर समाप्त हो जाएगा आकाश बहुत जाना तो संभव नहीं समझ लो एक करोड़ साल तक बहुत शीघ्र गामी रकेट जाए जाने के बाद जितने दूर पहुँचेगा आगे आकाश उससे अधिक रहेगा या कम रहेगा जितने जाने के बाद आकाश उसके आगे कितने गुणा बाकी बचेगा दो गुणा या तीन गुणा सौ गुणा हजार गुणा करोड़ गुणा कुछ कह सकते हैं है है, उसके आगे फिर अनंत गुणा है इसी प्रकार जितने जानने पर भी मैं कहता रहूँ तुम सुनते जाओ जितने जाने पर तुमको क्या मिलेगा और बच जाएगा कितने बच जाएगा अनंत बहुत बच जाएगा इसलिए इतने जानकर क्या प्रयोजन है इतने समझ लो पहले तो बता दिया मेरे बिना कुछ भी नहीं ये समझ लो और पहले तो उत्तम अधिकारी के लिए कहा था मैं ही आत्मा हूँ अभी इतने समझ लो अहम इदम कृष्णम जगत एकांश स्थित अभिष्टभ्य स्थित सारा जो जगत दिखता है ब्रह्मांड में एक अंश एक पाद में अभिष्टभ्य धारण करके स्थित हूँ विशेषण स्तंभन कृत्वा दृढ़ रूप से धारण करके स्थित हूँ सारे ब्रह्मांड ब्रह्म परमात्मा के एक अंश में है परमात्मा सवयव है या निरवय वे है निरवै के एक देश में परम सारा ब्रह्मांड ये कैसे बनेगा परमात्मा और निरवैव परमात्मा के एक अवयव में सारा ब्रह्मांड है निरवैव का अवयव कैसे होगा वस्तुतः तो हो, अज्ञानी भ्रांति से पूछता है ये सारा ब्रह्मांड जितने है परमात्मा का इतने या ऐसा बड़ा है बड़ा है तो ये सारा जगत ब्रह्मांड कहाँ है पूरे परमात्मा में है एक देश में है गुरु कहेंगे एक देश में है तो उसकी भाषा से ही उत्तर देते हैं अज्ञान की भाषा से उत्तर देते हैं वास्तव उसको शब्द से नहीं कह सकते हैं नोया एक लोग तार्किक लोग बड़ा तर्क करने वाले भी आकाश को कहते नीरवैव और कहते नीरवैव का एक देश घट के अंदर है घट कहते हैं निरवैव का संयोग मानते हैं संयोग तो एक देश में होता है एक देश में नहीं होता है ये पुष्प के साथ हाथ का पूरा संयोग है या नहीं बताओ हाथ का पूरा हाथ का संयोग नहीं पूरा पुष्प का संयोग नहीं बाहर देश का संयोग हो जाएगा अंदर देश के साथ हाथ का संयोग नहीं है इसी प्रकार संयोग एक देश में होता है तो बाहर हुआ तो अंदर नहीं है एक देश में हुआ तो एक देश में नहीं हुआ तो आकाश के साथ घट का संयोग होता है एक देश में कहते हैं निरवैव का एक देश कैसे होगा ऐसे कल्पना करके कहना पड़ता है ये एक देश श्रुति भी ऐसे कल्पना करके कहती है पादोश विश्वा भूतानी त्रिपाद सारे ब्रह्मांड उसका एक पाद है और तीन पाद उसमें से विलक्षण है जिसमें ब्रह्मांड नहीं है माया भी ब्रह्म के परमात्मा में एक देश में है माया के एक देश में आकाश है आकाश के एक देश में वायु इस प्रकार एक अंश कल्पित तो होने के कारण ही ये एक अंश में कल्पित तो कहा जाएगा वो पारमार्थिक ब्रह्म है और सारा ब्रह्मांड कल्पित तो होने से उसको अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु का धारण करने वाला है जब तक अधिष्ठान है तब तक अध्यस्त है राज्य में जो सर्प दिखता है जब तक वहाँ रज्जु है तब तक आप सर्प दिखेगा आपको यदि स को कोई हटा दिया आप देखते 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 सर्प नहीं रहा रज्जु को यदि ढाक दिया तो भी सर्प नहीं दिखेगा अधिष्ठान रज्जु ही सर्प को सत्ता देती है इसी प्रकार सारा ब्रह्मांड को धारण करने वाले परमात्मा वो भी एक देश से है क्योंकि अध्यस्थ है तो ब्रह्मांड सर्वत्र सर्व रूप से परमात्मा स्थित है परमात्मा में सब नाम रूप कल्पित है सर्वत्र परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और जिसको जि, जि, जिसकी जिज्ञासा हो वैराग्य दृढ़ हो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो आ, सब कुछ ब्रह्म है तो ब्रह्म से भिन्न मैं भी नहीं हूँ वासुदेव सर्वम अहम आत्मा गुड़ा के तो एक ही आत्म तत्व वही ब्रह्म है वही वासुदेव है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है तो सो हम अस्मि अहम अस्मि परम ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करे ये विभूति योग समाप्त हुआ दसम अध्याय इत श्रीमद भगवद गीता सुपनिष्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम सो दशोध्याय अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं, मदनु परमं। गोह्यमध्यात्मसङ्गीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मुहोऽयं विगतो मम पूर्व अध्याय में योग में भगवान की विभूति विस्तार कही गई भी अंत में कह दिया सारा ब्रह्मांडों के मैं धारण करके एक दृश्य में धारण करके स्थित हूँ सुन करके अभी जो भगवान सर्व रूप है कोई भी वस्तु परमात्मा से भिन्न है ही नहीं सारा ब्रह्मांड सर्वत्र परमात्मा है परमात्मा का जो स्वरूप है सारा ब्रह्मांड रूप है इसका साक्षात्कार करने की इच्छा करते हुए अर्जुन ने कहा ऐसे परमात्मा का स्वरूप जो सुनते हैं जिज्ञासु मुमुक्षु जो अंतकोण शुद्ध है सोचता है ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए दर्शन हो जाए सामान्य किसी के कौन से किस स्थल के नाम सुनते हैं मंदिर में उस स्थल में इसे कहे हिमालय में इसे है गुहा है बर्फ़ है बद्रीनाथ है भगवान कहीं सुनने पर दर्शन करने की इच्छा होती है और परमात्मा के वास्तव स्वरूप भगवान स्वयं ही कह रहे हैं सामने अर्जुन को स्वाभाविक है उसके साक्षात्कार करने की इच्छा होती तो अर्जुन प्रार्थना करता है ये सब थोड़ा मुझे साक्षात कराइए दर्शन कराइए मद अनुग्रहाय वच गुह्यम आध्यात्मसंगीत वच परम वच उक्त तेन अयम मोह मम विगत मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए जो आपने कहा मदो अनुग्रहाय सुहृदय परमात्मा प्रत्युपकार अपेक्षा नहीं करके ही उपकार करते हैं अहेतुकी तो करुणा करने वाले हैं अनुग्रह करने के लिए ही आपने कहा मद अनुग्रहाय मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये जो आपने कहा अध्यात्म संगीतम गोह्यम वच त्वया य अध्यात्म संगीतम अध्यात्म आत्मा अनात्म विवेक विषयक अध्यात्म शब्द से जो कहा जाता है गोह्य गोपनीय है अत्यंत गोपनीय जो मेरे अनुग्रह करने के लिए आपने परमम बच का वचत शब्द है परम है प्रकृष्ट वचन है यही प्रकृष्ट है क्योंकि स्कार्थ प्रकृष्ट है परमात्मा का प्रकाशक वाक्य है ये निरतिशय अत्यंत परम गुह्य परम गुह्यम परम गुह्यम गुह्य का में भी अत्यंत परम गुह्य हे अरे वचन भी तो परम निरतिशय पर ब्रह्म का प्रकाशक ये जो आपने कहा तेन अयम मोह विगत मेरा मोह अभिवेक नष्ट हो गया भ्रांति नष्ट हो गई अय मोह कह करके अज्ञान स्वयं अनुभूत होता है प्रत्यक्ष साक्षी के द्वारा अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है ये मोह मेरा नष्ट हो गया आपने जो अनुग्रह करके अध्यात्म संगीत परम गुह शब्द आपने कहा इसलिए विवेक नष्ट हो अभिवेक नष्ट हो गया भवाप्ययो हि भूतानां भूताना। श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष, कमलपत्राक्ष, कमलपत्राक्ष। माहात्म्यमपि चाव्ययम् भूतानाभ मया विस्तरस श्रुत तत् हे कमलापत्र कमलपत्र अव्यय महात्मी भूतों श्रुत उत्पत्ति उत्पत्व और अव्यय भव उत्पत्ति अप्य प्रलय सारे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय मैया विस्तर तत्त विस्तार पूर्वक संक्षेप से नहीं पूरा पूरे 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 विस्तार के साथ आपसे ही सुना तत् तो, तो, आपसे ही सुना केवल भूतों की उत्पत्ति प्रलय नहीं आपका जो अव्यय अविनाशी महात्म ऐश्वर्य विस्तार वही भी मैंने सुना आपसे ही सुना कमल पत्राक्ष करके संबोधन करते हैं कमलपत्र है कमलपत्र पत्र गोल है कमलपत्र के समान पत्रवत अक्षिण कमल कमलपत्र के समान चक्षु जैसे ऐसे हे कमलपत्राक्ष अच्छा। इसके आपके अव्यय अविनाशी महात्म्य विस्तार भी मैंने सुना एवे तद्यथा थ परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपरं पुरुषोत्तमम् हे परमेश्वर यथा त्वम् आत्मानम् आत्थ एवम् एतत् तथापि ते ऐश्वरम रूपम हे पुरुषत्म द्रष्टुम्छा देखना चाहता हूँ अर्थ तो विश्वास नहीं है ऐसे नहीं है हे परमेश्वर यहां आत्मा आत्थ एक एवं जैसे आप अपने स्वरूप का कथन करते हैं जैसे आपके ऐश्वर्य विस्तार आप कहते हैं यथा कहते त एवं था तो ये तथा ये तो ठीक है ऐसे ही है अन्यथा नहीं है कोई संशय नहीं आप जैसे कहते बिल्कुल ठीक है कोई संशय नहीं फिर भी हे पुरुषोत्तम पुरुषाणाम उत्तम श्रेष्ठ परमात्मन मैं उससे ईश्वर रूपम दृष्टुम इच्छा ईश्वर से इदम ईश्वरम जो आपका स्वरूप है जैसे आपने कहा इसको थोड़ा दर्शन करना चाहता हूँ संशय से नहीं है कोई संशय नहीं है फिर भी देखने की इच्छा होती है रूप तो आपने जैसे कहा पूरा विश्वास है ऐसे ही है फिर दर्शन करने की इच्छा होती है विश्वास होने के बाद क्या दर्शन करने की इच्छा होती है या नहीं होती है क्योंकि बहुत बढ़िया सुंदर तुम्हारे लिए मैं एक साल लेकर आया बहुत सुंदर साल बहुत अच्छा तो कहाँ है कहाँ है <laughs> हम लाए दिखाएंगे देंगे अथा कोई फल लाए बहुत बड़े सुंदर फल बहुत मीठा है यहाँ नहीं मिलता है बहुत सुंदर तो तुरंत है बहुत ऐसे इतने बड़ा है इतने मीठा है जितने बताने के बाद भी खाना के लिए बाद में खाएंगे पहले तो देख तो लो दृष्ट में इच्छा में देखना चाहते हैं अत्यंत प्रिय वस्तु तो तुरंत देखना चाहते कहाँ है पहले देखा दो जब तक तो नहीं देखे मनुष्य में कहाँ है कहाँ ढूंढते रहे कहाँ है लेना खाना पीछे है दृष्टि में और ये परमात्मा के स्वरूप ऐसे विस्तार सुन रहा है भगवान के सामने है और भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवान दिखा भी सकते हैं जहाँ दिखाने की संभावना नहीं उनके सामने कहने से तो कुछ नहीं होगा जहाँ संभव है परमात्मा देखा सकते हैं और स्वयं भगवान के भक्त तो खड़े है तो कहते हैं हम इत ईश्वर अनूपम दृष्टि इच्छा से यदि तक्यम मैया दृष्ट मिति प्रभु योगेश्वर तथा मे तम दर्शयात्मा इसमें अर्जुन सोता है कहीं ऐसा भी हो रूप तो ऐसे सुंदर बढ़िया है किंतु देखने के लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ अयोग्य हूँ तो कहाँ दिखाएंगे साधक भक्त भगवान से भजन करता है दर्शन करना चाहता है कभी कभी ऐसे ही सोचता है कहाँ मुझे दर्शन देंगे मैं तो कितने पापी हूँ मैं कितने नीच हूँ कैसे बड़े बड़े भक्त कितने भजन करते थे मेरी भक्ति ऐसे नहीं है बड़े अपने को धिकार करते हैं इसी भक्ति मेरी नहीं है मुझे कहाँ दर्शन देंगे जो विदुरानी के हाथ से भगवान ने खाया विदुर जी कहते हैं वो तो बड़ा आपका भक्त है जब आपका नाम सुनती है वो अपने को भूल जाती है अगर मैं तो ऐसे भक्त नहीं हूँ विदुर जी कहते हैं उसके हाथ से छिलिका खा ले हम केला खिलाते हैं तो कहते है, नहीं छिलिका ही मीठा लगता था विदुर कहते हाँ वही मैं जानता हूँ उसकी जो भक्ति है जब आपके विषय सुनती है तो अपने को भूल जाती है बिल्कुल कैसे हो जाती है मेरे में ऐसे भाव नहीं होता है मैं ऐसे भक्त नहीं हूँ विदुर कौम भक्त नहीं है किंतु ऐसे भक्ति अधिक होने पर भक्त अपने को भक्त नहीं मानता है अपने को मानता है मेरे में ऐसे भक्ति नहीं है मेरे में ऐसी योग्यता नहीं है कहाँ परमात्मा मुझे दर्शन देंगे ऐसे प्रकार भावना होती है अत्यंत जो भक्त है जब परमात्मा का दर्शन करना चाहता है कभी उसको अनुभव है कभी कभी मन में इसे आता है कहाँ हमको भगवान दर्शन देंगे कहाँ मेरे भाग्य में हो जितने भक्त होने पर भी जब तक तो दर्शन नहीं हो पाया तब तक तो कोई अपने को नहीं मानता है मैं भक्त हूँ भगवान मुझे दर्शन दे देंगे ऐसे नहीं सोचता है कभी दर्शन हो जाए क्या हो सकता है ऐसे सोचता है इसलिए अर्जुन कहते हैं यदि तत् मया दृष्टुम शक्यम ये मैं देख सकता हूँ शायद आप मानते हैं देखने के लिए समर्थ हूँ मैं अधिकारी हूँ ऐसा यदि मानते हैं हे प्रभु हे योगेश्वर तथो में आत्मनम अव्ययम दर्शय यदि मैं समर्थ हूँ अधिकारी हूँ देख सकता हूँ ऐसे आप मानते हैं तो मैं अत्यंत अर्थ्य हो देखना चाहता हूँ मुझे हे योगान ईश्वर योगियों में श्रेष्ठ है योग योगियों योगी को योग कहा योगियों में श्रेष्ठ है योगीश्वर हे प्रभु सबके प्रभु आप है मालिक है सबके स्वामी है आत्मान अव्ययम में दर्शय यह अविनाशी तत्व तो आपके सर्व आपके विस्तार को मुझे कृपा करके दर्शन कराइए ऐसे प्रार्थना करने पर भगवान उत्तर देते हैं श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशूत सहस्रश नानाविधाने दिव्यानि नानाविधाने नाना, नाना, नाना वर्ण यहाँ थोड़ा साधन सावधान होकर के एकाग्र होकर के युक्त हो करके, करके भगवान के प्रति भक्ति करके श्रवण करे भगवान स्वयं कहते भगवान की वाणी जो उन्होंने अर्जुन को कहा था वही अभी आपको सुनाते हैं भगवान की वाणी है ये भगवान की वाणी श्रवण करते समय ध्यान करे भगवान स्वयं कहते हैं सर्वव्यापक परमात्मा सर्वदा सर्वत्र है आपके सामने है अंदर भी है ऐसा विचार करे भगवान स्वयं मुझे कह रहे हैं अर्जुन को कह रहे मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ भगवान का ध्यान करके ये विश्वरूप दर्शन है ऐसे भजन भक्ति करे दर्शन करने के लिए समर्थ है भगवान ने पहले कह दिया है अपिचेत सुदुराचार्य भजति मां अन्य भाग साधुर व समन्तव्य सम्य व्यवस्थित तो ही सह जितने भी हो कोई भी पाप कर्म किसने किया कुछ किया किंतु अभी यदि निश्चय कर ले अहंकार लेकर कोई बैठे ना हम तो ऐसे करेंगे जो होगा होगा तो कुछ नहीं होगा। दूसरे किसी की हानि नहीं अपने नरकों को जाना है जो ऐसा सोच ले कुकर्म निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे और दूसरी निंदा नहीं करेंगे राग द्वेष नहीं करेंगे निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे परमात्मा का भजन करेंगे ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करें परमात्मा शक्ति देते हैं तो सब संभव है सब मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ यत गिरी यत कृपा तम वंदे परमानंद माधव यानी कि कृपा मूक को भी बोला देती है मुह का भी बोलने लग जाता है जो पंगु है ये पर्वत का लंघन कर लेता है इसलिए ये भगवान की वाणी पर दृढ़ विश्वास करके जो भगवान ने कहा है अपिचेत सुदूराचार्य कहा कोई भी है परमात्मा का दर्शन कर सकता है किंतु इसे भाव होना चाहिए भक्ति होनी चाहिए पापी लोगों को इसे मन में आता है ये संभव नहीं है ये कहाँ होता है कभी द्वापरे में सत्य में हो गया था भगवान का दर्शन आजकल किसको होता है किसको होगा किसको दर्शन हो जाएगा तो क्या सिर में कुछ निकलेगा सिंह या पूछा नहीं चलेगा या बड़े बड़े दान तो हो जाएंगे कुछ नहीं पता नहीं चलेगा और वो नहीं कहेगा कि मुझे मैंने भगवान का दर्शन कर लिया मैंने भगवान का दर्शन कर लिया नहीं कहेगा और कोई कहेगा तो कौन मानेगा कहेंगे पागल है नहीं कहता है दर्शन नहीं होता ये बात नहीं हो सकता है ऐसी भावना से भगवान एक तत्व है इतने तो विश्वास करके परमात्मा में विश्वास करके ही चलना चाहिए जितने है अभी स्रोत सुन रहे सबका तो इतने निश्चय है परमात्मा है सबके करा करते कराते हैं अब परमात्मा की कृपा से सब संभव है जितने भी हो कोई भी यदि चाहे दृढ़ निश्चय करे अन्य जो विषय संकल्प है सांसारिक इच्छा है उनको छोड़ करके परमात्मा में मन लगाए तो परमात्मा की कृपा की प्राप्ति होती है अब तक यदि कोई नहीं किया दृढ़ निश्चय करे हम परमात्मा का दर्शन करेंगे इसी जन्म में इसे जितने जल्दी हो सकता है परमात्मा का साक्षात्कार करे परमात्मा से मन से प्रार्थना करें अभी प्रार्थना करे बाहर जा के प्रार्थना करें निरंतर प्रार्थना करें परमात्मा कृपा से सब संभव है अभी परमात्मा की वाणी सुनते समय बिल्कुल रूप दर्शन एकादश अध्याय ऐसे ही एकदम सावधान होकर के मन एकाग्र करके ऐसे चिंतन करे परमात्मा सामने है अर्जुन भी सुन रहा है और अर्जुन निमित्त है आपको भी भगवान सुना रहे हैं भगवान ने है जो अर्जुन को सुनाया अर्जुन को निमित्त बना करके सारे संसार को सुनाने के लिए जब तक ये श्रवण होता है तब तक समझ परमात्मा कह रहे हैं हम सुन रहे हैं परमात्मा नित्य सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है सर्व सर्वशक्तिमान है आप जितने भक्ति से जिस प्रकार भावना करो परमात्मा उसका ग्रहण करते हैं इसलिए परमात्मा का नाम भाव ग्राही है भाव को ग्रहण करते हैं भाव आपके अंदर कितने भाव क्या भाव है वो ग्रहण करते अंतर्यामी रूप से स्थित है, है। इसलिए अभी बिल्कुल एकाग्र होकर के एकादश अध्याय विश्व रूप दर्शन भगवान की वाणी और रूप वर्णन अर्जुन का कथन सब सब ठीक श्रवण करे बिल्कुल एकाग्र हो करके श्री भगवान उवाच मे पार्थ रूपा शतशोथ सहस्रश नानाविधा दिव्यार्ण कृती हे पार्थ में शसो अथ सहस्रश नाना विधानी दिव्यांग नाना वर्णाकृत रूपा पश्य मेरा रूप को देखो मैं रूपाणी पश्य मेरे रूप देखो रूप कितने हैं सतसो अथ सहस्रश सो सो हजार हो सो हजार हो अनंत हो सहस्र शब्द अनंत वाच के अनंत रूप को देखो कितने प्रकार रूप है नाना विधानी नाना प्रकार रूप है नाना प्रकार रूप किस प्रकार थोड़े दृष्टांत बता दीजिए कैसा रूप है कहते दिव्यानी ये दिव्य है अलौकिक है लोक में इसे रूप नहीं है कोई दृष्टांत बनने के लिए अलौकिक रूप दिखाता हूँ देखो और नाना वर्णा कृति नीचा जिसमें नाना वर्ण नाना आकृति है विलक्षण वर्ण है नील पितादि वर्ण है आकृति अवयव आकार विलक्षण अवयव वाले अनेक प्रकार वर्ण आकार वाले अलौकिक स्वरूप नाना प्रकार सो सो हजार हजार अनंत स्वरूप का दर्शन करो ये सौ संख्या हजार संख्या ने अनेक रूप देखो करके पहले भगवान प्रति करते हैं और क्या क्या दिखाएंगे थोड़ा बता देते हैं पश्चादित्यान्वसून् रुद्रा नश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत आदित्यान वसुन, रुद्रान अशेनौ तथा मरुत पश्य हे भारत बहूनी अदृष्टपूर्वाणी आश्चर्या पश्य मरुत पश्य आदित्यान आदित्य आदित्या द्वादश आदित्यों को देखो मेरे में वसुन् आठ वसु रुद्र उनको देखो रुद्रान एकदश रुद्र है उनके भी देखो अश्विनो दो अश्विनी कुमार है राजवैद्य है उनको देखो मरुतस्त मरुत मरुतगण है सात सात तो गण सप्तगण है एक में सात सात होकर के उनचास है वायु देवता उनको देखो और क्या देखना है बहुनी पूर्वाणी जो पहले कभी देखा नहीं सुना नहीं उसको भी देख लो मनुष्य लोक में कभी नहीं देखा न तुमने देखा ना किसने देखा अधिष्ट किसने कभी नहीं देखा ऐसे रूप देखो पश्य आश्चर्य यानी अद्भुत रूप देखो ऐसे रूप कभी किसने नहीं देखा है मनुष्य में तो ऐसे रूप देखो ये जो कुछ नाम ले ले आदित्य वसु रुद्र आदि है केवल इतने नहीं और भी बहुत देखो यह कष्टम जगत कृष्णम

इह इकस्थ कृत्ण जगत सचराचर मम दे पश्य द्रष्टुम्छसी हे गुड़ाकेश जीत निद्र देखो निद्रा को जितने वाले अर्जुन श्रेष्ठ तुम होकस्थम एकस्थम एक, 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 एक स्वरूप स्थित क्या देखना है कृष्णम जगत सारा जगत को देखो परिपूर्ण जगत ब्रह्मांड को देखो सचराचरम चर अचर के साथ चरे चलने फिरने वाले पशु पक्षी मनुष्य अचर है पर्वत वृक्ष आदि सारे जड़ चेतन चर आचर सब को देखो मम देह मेरे शरीर में सारे प्रपंच को एकत्र देखो और कुछ देखना चाहते हो तो यच्च अन्य दृष्टि और कुछ देखना चाहते तो उसको भी देख लो पहले कहा था यदवा जय यदि वानो जय जय पराजय के लिए संशय था उसको देखना चाहते तो वो भी देख लो आगे कैसे युद्ध होगा उसके देख लो कौन मरेगा किसको को कौन जीतेगा वो भी देख लो जो देखना चाहते वही देख लो न तो मंशक से द्रष्ट

अन सचक्षुषा माम दृष्टुम न से ते दिव्य चक्षु दधा मे ऐश्वरम योगम पश्य मे मेरा रूप देखो तो मैं कह दिया किंतु अन सचक्षुषा न तो प्राकृत चक्षु के द्वारा अपने चक्षु के द्वारा माम अभी मैं विश्व रूप धारण करने वाला हूँ सारा विश्व को धारण करके जैसे हूँ धारण करने वाला नहीं धारण करके हूँ किंतु तुमको दर्शन दूंगा अभी भी सारा विश्व को धारण करके परमात्मा है जो रूप भगवान ने दिखाया था उसी समय खाली दिखाया हुआ था नहीं हमेशा परमात्मा का ऐसा स्वरूप है सारा ब्रह्मांड को धारण करने वाला मेरा रूप है अभी उसको मैं देखाऊँगा प्रकट करूँगा किंतु तुम अपनी इस चक्षु से नहीं देख सकते हो इसलिए तुमको मैं ते दिव्यम चक्षु ददामी दिव्य चक्षु अलौकिक चक्षु देता हूँ जिससे तुम देख सकते हो तुम्हारी जो चक्षु से नहीं देख सकते इसलिए अभी देवता लोग को यहाँ आते हैं तो भी हमको दिखता नहीं है जब यज्ञ करते देवताओं का आवाहन करते हैं देवता लोग यहाँ आते हैं तो भी कोई नहीं देख सकता है भूत प्रेत भी आते हैं तो नहीं देख सकते हैं किस किस शरीर में प्रविष्ट हुआ कुछ कराता है बुलवाता है नचाता है तो सब अनुमान करते शंका करते किसी में कोई भूत प्रेत आया निश्चय हो जाता है उसकी चेष्टा दे करके तांत्रिक को बुला करके उसको भगाना चाहते हैं दिखता नहीं है इसी प्रकार अग्नि अभिमानी देवता है वायु देवता है गंगा देवता है सब पर्वत अभिमानी देवता है देवता तो है दिखते नहीं उनका रूप यहाँ कर्म करते समय देवताओं को आह्वान करते हैं देवता आ करके ग्रहण करते हैं पितृलोकों को जब देते श्रद्धा आदि श्राद्ध अर्पण करते पितृ को ग्रहण करते दिखते नहीं है तो इसी प्रकार ये जो स्वरूप है अलौकिक स्वरूप है इसको देख नहीं से तो उसको देखने के लिए मैं तुमको दिव्य चक्षु देखता हूँ उससे तुम ऐश्वरम योगम में पश्य जो ईश्वर से एकदम योग योगशक्ति अतिशय को देखो यहाँ न माम शक्य से दिया है शक्य से में लोक में प्रयोग होता है शक्नोसी शक्नोशी स्वादिवष्णु होता है शक्नोसी परस में पदे किंतु ये आर्स प्रयोग करते हैं ऐसे ऋषियों में वेद में प्रयोग होता है उसको कहते हैं आर्स प्रयोग वैदिक और एक होता ऋषियों का प्रयोग तो वेद में जैसे है इसी प्रकार कहीं कहीं स्मृति में भी ऐसे प्रयोग होता है इसको कहते हैं आर्स प्रयोग न तुमाम शक्य से लोक में होगा तम माम दृष्टु न शक्नोसी शक्नोसी कह करके परचमय पद होना चाहिए और में स्नु विकरण होना चाहिए पद का और विकरण का व्यत्यय हुआ परिवर्तन हुआ या प्रयोगे संजय उवाच उवाच्वा तथा राज महायोगेश्वरो हरी दर्शयामास पाथ परमश हे राजन ततो महायोगेश्वरो हरि पार्थाय परम्म ऐश्वर रूपम दर्शयामास इधर भगवान आपके सामने अर्जुन को बोल रहे हैं उधर संजय और धृतराष्ट्र संवाद भी है धृतराष्ट्र सुन रहे संजय से उसका भी थोड़ा ध्यान करना संजय उनसे कहते हे राजन धृतराष्ट्र को कहते एवं मुक्त ऐसे भगवान ने कह करके महायोगेश्वर हरि केवल ने, महा योगेश्वर ने महायोगेश्वर योग्य में श्रेष्ठ योगेश्वर महान सो योगेश्वर स महेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा हरि हरति पाप मिति हरि हरति अज्ञान मिति हरि पाप को नष्ट करने वाले है अज्ञान को नष्ट करने वाले अज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति में जब आरोग हो जाते हैं अज्ञान को नष्ट कर देते हैं वृत्ति के द्वारा जब अभिव्यक्त हो जाते हैं प्रकट हो जाते हैं अज्ञान को निवृत्ति कर लेते इसलिए उनका नाम हरि है महायोगेश्वर हरि है इसके मोह को नाश कर देंगे और अपने रूप दर्शन कराया पार्थाय ऐश्वरम परम रूपम दर्शाया अर्जुनों को दिखाया ऐश्वरम ईश्वर से इदम जो रूप दिखाया ईश्वर के रूप है परमम निरतिशयम ये विलक्षण रूप है निर इसके समान कोई रूप नहीं परमात्मा ने उसको दर्शन कराया दर्शा मास दर्शन कराया कैसे रूप दर्शन कराया थोड़ा संजय दिव्य चक्षु प्राप्त करके वो भी देखता है जानता है थोड़ा धृतराष्ट्र को बताता है अनेक वक्त नयन अनेका दर्शनम अनेक व्याभ्यतायुम अनेक वक्त नयन अनेक अद्भुतदर्शन अनेक दिव्याभ दिव्या दिव्य अनेक उद्यत आयुधम आयुधम उद्यत आयुधम ये दर्शया मास क्रिया ये दिखाया अनेकवभवक्तृनयन वक्त मुख नयन हे चक्षु अनेका वक्त नयना स्वूप में जो परम रूपम परमात्मा का जो विश्वपे तस्में मुख और चक्षु अनेक अनेक वक्त और नयन है जिसमें अनेक अद्भुत दर्शनम उनके अनेक अद्भुत आश्चर्यजनक रूप है अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम आभरण है भूषण है जो आभरण भूषण है सामान्य नहीं दिव्य अलौकिक एक दो अनेक अनेक दिव्य आभरण जिस रूप में हो ऐसे रूप को दिखाया आभरण अनेक है आवरण दिव्य है अलौकिक है और अनेक है जिस रूप में ऐसे रूप को भगवान ने दिखाया और हस्त आदि में आयुध शस्त्र शस्त्र बहुत ही, अस्त्र कैसा है उद्यत आयुधम आयुध को उठा करके रखा है खड़ग है तो को ऐसे उठा कर रखा है परस है तो परस को उठा कर रखा है धनु है तो धनु को कैसे कर रखा है ऐसे उद्यत आयुधम उठा करके शस्त्र को रखा है दिव्य अनेक अनेक आयुध है अनेक दिव्य आयुध उठा करके रखा है दिव्य मल्यांबरधर दिव्य गुलेपनम सर्वाश्चर्यम देव मन तम विश्व मुखम दिव्यमाबरधरम परम, सर्वाश्चर्यमयं, सर्वाश्चर्यमय विश्व मुखम दिव परमात्मा ने दर्शन कराया अर्जुन को कैसे रूप है संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं दिव्य माल्या माला अंबर है वस्त्र को धारण करने वाले किंतु सामान्य नहीं दिव्य मल्यांबरधरम दिव्य है अलौकिक ऐसे माला पुष्प माला है पुष्प में भी इतने पुष्प है ने देखा नहीं है हिमालय में भी ऐसे ऐसे पुष्प है पुष्प बहुत विलक्षण पुष्प है कहाँ के ऐसे पुष्प है बहुत सुंदर और जो वहाँ पुष्प है दिव्य है दिव्य पुष्प के माला और अंबर वस्त्र भी दिव्य है अलौकिक है उसको धारण करने वाले दिव्य गंधानुलेपनम गंध के गंध से अनुलेपन हम यशिन शरीर जिस स्वरूप में गंध लेपन किया गया किंतु गंध प्राकृत नहीं दिव्य गंध है कभी कभी कोई लोग हा शरीर में कुछ गंध सुगंध का प्रयोग करते हैं कभी कभी वो ऐसे गंध उनको तो अच्छा लगता है दूसरे को कष्ट होता है कभी कभी ऐसे है कोई कुछ तेल सुगंध शरीर में क्या लगा कर आते हैं हमें तो तो हम <laughs> तो कहते तुम पीछे बैठो तो सुगंध पास में हो तो सहना नहीं होता है कोई कैसे को सुगंध व्यवहार करते हैं उनको अच्छा लगता है दूसरे को सहन नहीं होता है कोई बर्तन में खाली छू करके पानी दिया पीने के लिए उसमें भी गंध होता है पानी पीने की इच्छा नहीं होगी ये कोई गंध सुगंध किसी को अच्छा लगता है किसको अच्छा नहीं लगता है कोई उत्कट गंध होता है सहना नहीं होता है किंतु ये जो गंध है दिव्य गंध दिव्य गंध अनुलेपनम अत्यंत अलौकिक गंध का ये जो गंध है ऐसे किस प्रकार चंदन है सुगंध है ये सात्विक दैव गंध है देवताओं को अर्पण किया जाता है ये जो वास्तव सुगंध है अलग है और जो बना करके के बिक्री करते हैं तेल आदि में डाल करके कुछ करते हैं बड़ा उत्कट हो जाता है सहन नहीं होता है जब वास्तव प्राकृत है तो कितने विलक्षण है और जो दिव्य है उनके लिए क्या कहना है दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम जितने आश्चर्य सबसे बड़ा आश्चर्य प्राय है ये परमात्मा स्वरूप देव प्रकाश स्वयं प्रकाशमान है देव अनंतम ये अनंत है विश्वत मुखम सर्वभूत आत्मा है उनसे सर्वात्मक सब और दिखते हैं देखे ऊपर देखते जाओ कितने बड़ा है देखते देखते समाप्त तो नहीं होता है इधर बाएं देख तो कहाँ ये भी समाप्त तो नहीं इधर देखो समाप्त नहीं पीछे घूम कर देखा वहाँ भी है अनंत रूप में ये नहीं कि सामने है अब पीछे नहीं आगे जो प्रणाम करेगा परमात्मा को सब और आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं डने सब और अनंतम उनका अविद्यमान अंतो यश्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म श्रुति कहती है अनंत है ब्रह्म अविद्यमान अंतो यस्य अंत है परिच्छेद किसी देश में अंत नहीं किसी काल में अंत नहीं किसी वस्तु में अंत नहीं किसी देश में यदि उसका अभाव हो जाए तो देश कृत अंत परिचिन्न हो जाएगा किस समय यदि अभाव हो जाए तो कालकृत परिच्छिन्न हो जाएगा किसी वस्तु में यदि परमात्मा नहीं रहे तो परमात्मा वस्तु वस्तु परिचिन्न हो जाएगा परमात्मा अनंत है देश परिचिन्न नहीं काल परिचिन्न नहीं वस्तु परिचिन्न नहीं किसी देश में भी परमात्मा का अभाव नहीं किसी काल में भी परमात्मा का अभाव नहीं कोई वस्तु परमात्मा से भिन्न नहीं और व्यापक परमात्मा का स्वरूप ऐसे स्वरूप को स्वयं भगवान ने अर्जुन को दिखाया ऐसे संजय कहते हैं सूर्य भावे सूर्यसहस्रस् भवगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा सिया भाषस्त महात्म सूर्य युगपद उत्थिता भा यदि सदृशी सदृशी सै स्या, स्या, तस्त्म भाषा सदृशी सिया दिव दिवी द्यूलोक में स्वर्ग में अंतरक्ष में आकाश में आकाशमें हो अथवा स्वर्ग में हो, हो। यदि भा सैथ सूर्याणाम सहस्रम एक हजार सूर्य एक साथ उदय हो जाए यदि हो जाए यदि एक हजार सूर्य एक साथ उदय हो जाए उनका जो प्रकाश होगा यह जो प्रकाश होगा यदि उसके सदृश हो जाए अथवा सदृश नहीं होगा तस् महात्मन भाष यदि सदृश सात यदि हो तो कहीं समान हो जाए अथवा नहीं होगा सहस्र शब्द एक हजार के न नहीं अनंतवाचक है एक हजार सूर्य शब्द से कहने के लिए ऐसे एक साथ हजार सूर्य उदय हो जाए जितने प्रकाश होता है वो परमात्मा के प्रकाश का सदृश यदि हो जाए होगा करके नहीं कहते यदि हो जाए तो हो जाए नहीं तो उससे बढ़ करके विश्व रूप का प्रकाश है अत्यंत प्रकाश है ऐसे प्रकाश में रूप को दिखाया

तत्र कृत्सनम जगत अनेकधा प्रविभक्तम एकस्थम देवदेवस्य स्वरूप पांडव तदा अपश्यत देवदेवस्य स्वरूप जो स्वरूप दिखाया था एकस्थम एकस्मिन् विश्व में कृष्णम स्वरूपम अनेकधा प्रविभक्तम देवस्या कृष्ण स्वरूपम अनेकधा प्रविभक्तम जब परमात्मा का देव देवस्या देवाना देव सबके देवताओं का देव परमात्मा उनका जो रूप है अनेकधा प्रविभक्तम अनेक प्रकार विभक्त है वही देवता रूप पित से पितृलोक से मनुष्य पशु पक्षी सर्व रूप से स्थित है सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही रूप है अनेकथा प्रविभक्त कृष्ण जगत देवदेव अनेकथा प्रविभक्त स्वरूप कृष्ण जगत एक पांडवस्तदा अपश्यत एकस्थम शरीर में ये शरीर में ही परमात्मा के स्वरूप में ही सब कुछ देखा अर्जुन ने अर्जुन ने जो देखा सारे जगतों को देखा और जो स्वरूप देखा सारे जगत अनेकथा प्रविभक्त जड़ चेतन देव मनुष्य आदि लोक सब ब्रह्म लोक लेकर के सब कुछ अर्जुन ने देखा तत स विस्मया विष्टो हृष्ट रोम धनंजय प्रणम्य शिसा देव भाषत तत सर्जुन विस्मीष्टृष्टरोम धनंजय शिसा दीव प्रणम्य कृताजलिभाषत ततः तत का दर्शन करके उसके पश्चात धनंजय अर्जुन कृत कृतंजाल, कृतांजलि हाथ जोड़ करके शिसा प्रणम्य शिरसा दीव प्रणम्य कृताजलि हृष्ट हृष्टरोमा अभाषत विस्मय से आविष्ट हो गया विस्मय आश्चर्य आश्चर्यत आश्चर्य। तो हो गया आश्चर्य ऐसे प्रविष्ट हो गया जैसे भूत प्रेत प्रविष्ट हो जाता है अपना बस नहीं चलता है ऐसा आश्चर्य इतने हो गया तो उसको रोक नहीं सका कभी इतने शोक बहुत हो जाता है प्रसन्नता इतने हो जाती है कोई रोक नहीं सकता है शब्द प्रयोग नहीं कर सकता है विस्मय है आश्चर्य इतने विस्मय से प्रविष्ट हो गया विस्मयन आविष्ट विस्मय प्रविष्ट हो गया जो विस्मय अत्यधिक हो गया धनंजय सम हृष्ट रोमा हृष्टानी रोमानी यश स हृष्ट रोमा उसके रोम हर्षित हो गए पुलकित हो गए हृष्ट रोमा लोम सब खड़े खड़े हो गए दर्शन करके आश्चर्युक्त होकर के शिरसा देव प्रणम्य यही है जब अभ्यास करता है शुद्धांत करने है तो प्रत्युत्पन्न बुद्धि होती है समय पर क्या करना चाहिए बहुत आश्चर्य होने पर भी लोम खड़े हो गए बहुत आश्चर्य होने के पर भी वो कर्तव्य भूलना नहीं है शिरसा देवम प्रणम्य सिर से प्रणाम करके बिल्कुल दंडवत श्री से गिर करके प्रणाम करके कृतांजलि हो करके कहा परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा से भी ऐसे ही प्रणाम करे ऐसे ही चिंतन करे परमात्मा का शिरसा प्रणम्य शीर्ष प्रणम्य प्रणम्य है प्रकर्षण नमन कृत्वा नमस्कार है किंतु प्रणाम है प्रकर्षण नमन नमस्कार प्रकर्ष अत्यधिक अत्यधिक है जिसको दंडवत कहते प्रण नीचे गिर करके एक होता है साष्टांग प्रणाम साष्टांग आठ अंग के साथ प्रणाम होता है ये प्रकर्षण नमन कृत्वा प्रकर्ष होता है दीर्घ काल नमस्कार और अपने अहंकार को छोड़ करके समर्पित हो जाना प्रणम्य प्रकर्षण नमन कृता अत्यधिक झुक जाना नमस्कार विश्वरूपधर को श्री से नमस्कार करके फिर कृतांजलि हाथ जोड़ करके नमस्कार करते समय शब्द से शरीर से हाथ से और मन से भी प्रणाम करना चाहिए ये लोक में कहते नमस्ते नमस्ते कहते नमस्ते और नमः ऐसे में दो भेद है नमः का अर्थ नमस्कार नमस्कार नमः समान है और नमस्ते शब्द का अर्थ तुमको नमस्कार ते नमः अगे ते तो आपको नमस्ते आपको नमस्ते क्या नमस्ते का अर्थ तुमको नमस्कार कहें महाराज जी तुमको नमस्ते ते नमस्ते शब्द का था नमस्कार नहीं नमस्ते का तो तुमको नमस्कार हो गया केवल नमस्ते कह दिया तो आपको नमस्कार हो गया तो कहे तो महाराज जी आपको नमस्ते लोक में नमस्ते शब्द का अर्थ कहते नमस्कार इसी प्रकार दंडवत शब्द का अर्थ दंड जैसे दंडवत का शब्द का अर्थ दंड जैसे दंड जैसे गिर जाता है ऐसे छोड़ दिया गिर गया दंडवत शब्द का अर्थ दंड जैसे कहते हैं लिखते हैं आपको दंडवत आपको दंड जैसे <laughs> आगे अध्यार करना पड़ता है दंड जैसे आगे नमस्कार है आपको नमस्कार दंड जैसे दंड जैसे गिर जाता है ऐसे गिर करके नमस्कार करते हैं आठ अंग से प्रणाम होता है साष्टांग प्रणाम साष्टांग प्रणाम करने के लिए जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणीभ्याम उरसा धिया वचस्सा वचस्ृष्टया प्रणामोष्टांग ई आठ अंग प्रणाम होता है साष्टांग प्रणाम है अष्टी अंग इति साष्टांग ही सह इति साष्टांग साष्टांग में आठ अंग होना चाहिए हुए जानु जानुभ्या जानुभ्यांश तथा पदभ्याम भी नीचे पानी भ्याम हाथ उरसा छाती और धिया बुद्धि शिरसा शिर वचसा वाणी अ दृष्टिया ये जानूभ्याम को एक जानु ले लेना दो नहीं जानु भ्याम जानु भी नीचे लगे पाद भी से अरे भ्याम हाथ भी आगे जोड़ करके जानु पाद पानी पीने नीचे गिरना उरसा छाती भी नीचे लग जाएगा उरसा उरस छाती भी उरसा सिर से धिया बुद्धि के द्वारा मन से धिया सिरसा सिर शीर भी नीचे लगना चाहिए और वचसा शब्द से भी कहे बुद्धि से भी सिर भी लगाए और बचसा आगे दृष्टिया प्रणाम करते समय दृष्टि दर्शन करके प्रणाम करे प्रणाम के बाद फिर दर्शन करे दृष्टि जानू पाद पानी वो छाती बुद्धि सिर और वाणी और दृष्टि ये आठ हुआ। व जानभ्याम च तथा पदभ्याम बोलो जानभ्याम च तथा पदभ्याम जानो भ्याम च तथा पदभ्याम जानो भ्याम च तथा पदभ्याम तानिभ्या मुरसा दिया तानिभ्या मुरसा दिया शिरसाभ चसा दृष्ट्या जानु से पाद से हाथ से छाती से बुद्धि से सिर से वाणी से दृष्टि से ये आठ अंग से प्रणाम प्रणाम करते समय शब्द से भी कहे और दृष्टि दर्शन करे हाथ जोड़ करके सिर और जो साष्टांग प्रणाम करते तो नीचे गिर करके हाथ भी पाद भी नीचे लगेगा जब जान भी नीचे लगेगा छाती भी नीचे लगेगा और सिर भी नीचे लगेगा हाथ जोड़ करके और दृष्टि सिर भी नीचे लगेगा ऐसे अष्टांग प्रणाम होता है साष्टांग अष्टांग के साथ तो प्रकर्षण नमन कृत्या करे प्रकर्ष नमन इतने नहीं हो तो मनो वाणी वच शरीर से मन से वाणी से मन शब्द और वाणी हो गया वचन देह देह से वाणी से और मन ये त्रिविध प्रणाम संक्षेप से त्रिविध नमस्कार त्रिविध नमस्कार कैसे शरीर से भी नमस्कार शब्द से भी नमस्कार और मन से नमस्कार कई कहते शब्द नमस्कार कह देते हैं हाथ नहीं उठता है सिर नहीं झुकता है वो नहीं सिर भी झुकाते हैं किंतु प्रणाम नमो नारायण नहीं कह पाते हैं ओके okay. और कभी नमो नारायण भी कहते सिर भी झुकता जाता है मन में द्वेष है मन में कुछ दूसरे सोते हैं कोई कोई लोग को प्रणाम करते हैं जैसे सोते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं <laughs> और नाराज हो गया तो हम प्रणाम नहीं, <laughs> तो नहीं करेंगे तो प्रणाम नहीं करेंगे तो मंदिर में जा कर के जो प्रणाम नहीं करो तो भगवान को तो दुख लगेगा ना इसी <laughs> प्रकार प्रणाम हजार करे तो क्या मिल जाएगा नहीं करे तो क्या बिगड़ जाएगा इसलिए प्रणाम जो करते अपना ही कल्याण होता है अहंकार के कारण राग द्वेष से नहीं प्रणाम करके किसका उत्कर्ष की वृद्धि कोई कर लेता है ऐसा नहीं और कोई भी ऐसा नहीं सोचे हमको बहुत लोग प्रणाम करते हम बड़े हो गए प्रणाम से बड़ा नहीं होता है बड़ा है तो प्रणाम होता है प्रणाम तो परमात्मा का ही किया जाता है यदि आप परमात्मा स्वरूप से अभिन्न मानते हो आपके शरीर का प्रणाम नहीं करे मंदिर में प्रणाम करते जहाँ भी प्रणाम करते हैं आप यदि सर्वत्र अहम सर्व अहम अस्मि चिंतन करते हो तो किसका प्रणाम हो रहा है आपसे भिन्न का प्रणाम हो रहा है यदि आपसे भिन्न कहीं मानो तो भिन्न का प्रणाम हो साधु जोपड़े में बैठा है माँ को रोटी खाता है बड़े खुश है मेरी पूजा हो रही सर्वत्र उसको कोई पूछता नहीं जिसकी पूजा हो रही है वो क्या मानता है साधु मेरे से भिन्न की पूजा हो रही मैं ही सर्वत्र हूँ मेरी ही पूजा हो रही अपने को कोई नहीं पूछे दूसरे की पूजा हो साधु को कष्ट होगा दुख होगा कि मेरी पूजा मुझे कोई पूछता नहीं मुझे मेरा ज्ञान हो गया तो भी कोई नहीं पूछते हैं ऐसा सोता है साधु खुश प्रसन्न है ये प्रणाम है प्रकर्षण नमन प्रणाम परमात्मा का ही होता है जो परमात्मा स्वरूप से परमात्मा का चिंतन ध्यान करता है वो प्रणाम नहीं चाहता है और परमात्मा सर्व से अभिनय जो चिंतन करता है आप मंदिर में प्रणाम करो कहीं प्रणाम को कुछ करो परमात्मा का ही होता है और जो तिरस्कार करता है किसका तिरस्कार करता है परमात्मा का ही तिरस्कार करता है जो तिरस्कार करता है तो परमात्मा का तिरस्कार नमस्कार करता है तो परमात्मा को नमस्कार करता है में अपने को बड़ा छोटा मानने की कोई आवश्यकता नहीं नमस्कार करने से ना बड़ा हो जाता है और दो पचास दस पचास सौ नमस्कार नहीं करेंगे तो छोटा हो जाएगा हजार करोड़ नमस्कार करे तो तो भी बड़ा नहीं होता है और करोड़ करोड़ नमस्कार नहीं करेंगे तो छोटा नहीं होता है जब आत्मस्वरूप चिंतन करके परमात्मा का जो भजन करता है उससे जो आनंद प्राप्त करता है ये प्रणाम से तो अपमाना तप वृद्धि सम्माना तो तपाक्षय अर्चित पूजित विप्रो दुग्धा गौरी वसीदती अपमान प्राप्त होता है तो अपमाना तपो वृद्धि तप की वृद्धि होती है तप क्षय सम्मान मिलता है तो क्षय होता है इसलिए महात्मा लोग सम्मान चाहते नहीं क्षय होता है यदि कोई परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो अलग बात है जब तक प्राप्त नहीं हुआ साधक है यदि कोई सम्मान ग्रहण करता है पूजा ग्रहण करता है पुजवाता है तबक तो की हानि होती है आगे ज्ञान प्राप्त नहीं करके खाली पुजवा ले तो आगे भी ऐसे भक्त बन करके के कितने महात्मा की पूजा करनी पड़ेगी जो स्वयं साधु बन गया बहुत को पुजवाया आगे जन्म में क्या होगा वो भी भक्त बन करके के साधुओं को जिन जिन से पूजा लिए थे वो बन जाएंगे साधु जो सेठ बनकर पूजा करते वो बन जाएंगे साधु जिसको ज्ञान नहीं हुआ पूजा रहता है वो बन जाएगा सेठ वो जाएगा उनके पास प्रणाम करेगा जितने बार पैर पकड़ाया इतने बार पैर पकड़ेगा इसलिए जब तक तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तब तो तक तो पूजवाने के लिए इच्छा नहीं करे पूजा से प्रसन्नता नहीं परमात्मा की ही पूजा होती है नमस्कार कोई करता है तो परमात्मा का चिंतन करे ये सोचे परमात्मा का ही प्रणाम होता है परमात्मा उसको ही कृपा करेंगे वही फल देंगे हम तो के कुछ नहीं है यदि परमात्मा के चिंतन करते तो चिंतन करो नहीं तो प्रणाम करते समय कम से कम परमात्मा का ध्यान करो ओनो ओन मित्र ष वरुण शनो भगत् अमा इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्मवादीशतमिश्यमिशन तन्मा मावित् तद्वक्तारमावित् आविन् मां माविद् वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः